नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर जनपद में बीती रात एक होटल में उस समय चीख पुकार बज गई जब होटल के बगल में लगा भारी भरकम पेड़ अचानक होटल में जा गिरा, जिस पर रहने वाले एक गरीब परिवार बाल बाल बच गया। पूरा मामला हमीरपुर मुख्यालय के मेहर बाबा मंदिर के सामने का है, जहां पर पिछले कई सालों से मुन्नालाल गुप्ता तीन छप्पर बनाकर छोटा सा होटल चलाते हुए उसी होटल में रहकर अपना गुजर बसर भी करता था। लेकिन कई दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश व बीती रात आई आंधी से उसके दुकान के बगल में लगा भारी पेड़ अचानक टूटकर उनकी दुकान पर जा गिरा। हालांकि पेड़ पहले भी टूटने की कगार पर था, जिसकी जानकारी मुन्नालाल के पुत्र ने नगर पालिका को दे दी थी, पर समय रहते नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगर पालिका की लापरवाही के कारण आज मुन्नालाल गुप्ता व उनके बगल में रखी चंदन गुप्ता की दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और परिवार बाल बाल बच गया। गरीबों का कहना है कि अब कहां रहकर गुजर बसर किया जाए। अगर पालिका समय पर ध्यान देती तो वह अपनी रोजी रोटी ना खो पाती। क्या समस्या आपकी? कटवाने के लिए पहले से कहा था, दो तीन दिन पहले मुन्नालाल गुप्ता सनाफ नन्हेलाल पूरी एप्लीकेशन दिया था नगर पालिका में कि पेड़ बिल्कुल गिरने वाला है, तो बोले अपनी हटाओ। तो हमने कहा जैसे कि हटाया तो पेड़ बदबदा के गिरने लगा। आपने किसी अधिकारी से बात करी? नगर पालिका गए थी। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपका? 50-60। क्या हुआ आपके साथ? हमारा नाम चंदन गुप्ता है, चंदन गुप्ता सनाफ मुन्नालाल गुप्ता, पिताजी का नाम मुन्नालाल गुप्ता सनाफ नन्हेलाल गुप्ता। और हमने जो है कहा था पेड़ के विषय में, तो ये हुआ था कि जो है कि जब गिर जाएगा तब हटाया जाएगा। अब पूरा नुकसान हो गया है, घूमती घूमती सब टूट चार का ही लमसम 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया है। आपने किससे कहा था, किस अधिकारी से आपने बात की? हमने चेयरमैन साहब जी से कहा था, ये तो आपको प्रार्थना पत्र भी दिया था लिखित में नगर पालिका में। क्या हुआ? कोई कार्रवाई ना की गई, जो समय नहीं तो ये सब नुकसान ना होता, जो है अपना काम हिसाब से निपट जाता सब। ये कितना नुकसान हुआ होगा आपको? कम से कम जो है लमसम 50-60 हज़ार रुपए का नुकसान तो हो ही गया है। मिशन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन भानु ने सिंचाई विभाग के दफ्तर के बाहर जोरदार धरना दिया। आपको बता दें कि धरने में उपस्थित किसानों ने बताया कि काफी समय से शासन के आदेश के बावजूद भी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय पर नहीं बैठते हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि वह अपनी समस्या किसे बताए जब वह अधिकारी ही उपस्थित नहीं है। बता दें कि मेरठ रोड पुलिस लाइन में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अपने ऑफिस में न बैठने की वजह से भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इतना ही नहीं, किसान भट्टी लगाकर वही खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक अधिशासी अभियंता हापुड़ ऑफिस में बैठना शुरू नहीं करेंगे, तब तक सिंचाई विभाग के कार्यालय पर धरना चलता रहेगा। मेरा नाम सरनजीत सिंह गुजर है और मैं संगठन में प्रदेश महासचिव हूँ। और जो आज ये धरना चल रहा है, जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में कई बार डीएम साहब से मुलाकात हुई है, सीडीओ साहब को बताया गया, उनके आदेश अनुसार कई बार कहा गया कि आप यहाँ बैठेंगे अधिशासी अभियंता महोदय को, लेकिन उनकी हठधर्मिता के कारण किसान इतना परेशान है। शासन ने उनको नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखा है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई इसमें डिसीजन नहीं लिया। बारंबार जिलाध्यक्ष महोदय को आश्वासन देने के बाद भी, लिखित में बताने के बाद भी कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया। आज मजबूर होकर प्रदेश कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ये डिसीजन लेना पड़ा है। ये धरना आज यहाँ दिया गया है, तो ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें कोई आश्वासन और सही तरीके से लिखित में प्रशासनिक स्तर से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, जब तक धरना चलता रहेगा। और अगर शासन ये प्रशासन इसे हल्के में लेना सोचता हो, ये सोचता धरना देख चले जाएंगे, तो अगर एक दो घंटे हमारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड जाम करने काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि अभी एक यूपी आने के लिए टिकैत जी का एक कार्टून जारी हुआ है बीजेपी ने, तो ये कह रहे हैं कि लोग मतलब टिकैत जी को मतलब वहाँ पे लखनऊ में घुसने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर, वायरल हो रहा है। टिकैत जी को नहीं घुसने देंगे जी? देखिए, हम एक बात सुनो, संगठन भारत में बहुत सारे हैं, हम टिकैत जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनका काम करने का तरीका अलग है,
हमारा संगठन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की छवि, हमारे देश की अस्मिता, हमारे मान सम्मान, हमारे भाईचारा कहीं खत्म होता हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं, हमारा जो सिंचाई विभाग एक्शन है 2011 के शासन आदेश हैं, सिंचाई विभाग एक्शन को मैं डिवीजन के काम करने के सरकार के आदेश के बावजूद भी हमारी माननीय जिलाधिकारी जो पूर्व जिलाधिकारी थी आदित्य सिंह, उन्होंने भी आदेश किए थे आप यहाँ एक्शन जो सिंचाई विभाग श्री शेर सिंह नाम है उनका, उनको कहा था आप यहाँ मैं डिवीजन के काम करें, किसानों की समस्याएँ सुने। हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हमारे पास में, कई बार उन्होंने हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, हमें लिखित में भी दिया शेर सिंह ने अब मैं यहाँ बैठ कर काम करूँगा, लेकिन हठधर्मता है एक्शन की, जो किसानों की मांग नहीं मान रहे, शासन की मांग नहीं मान रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार से शेर सिंह जो एक्शन है, हापुड़ के नोडल अधिकारी हैं, हापुड़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो इस वजह से नियुक्त किए हैं कि आप यहाँ पर बैठ कर मेडिजन सहित किसानों की समस्या सुने और जो भी किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्या है उनके बैठ कर निस्तारण करें। हम कब तक चलेगा आपका धरना? मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा धरना अनिश्चितकालिक धरना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक शेर सिंह एक्शन जो डिवीजन सहित यहाँ कार्य करने के लिए नहीं बैठते हैं, जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। क्या नाम है आपका, पद क्या है किसान? मेरा नाम पवन हुना है, मैं भारतीय किसान भानु जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी हैं, प्रदेश से भी हैं, राष्ट्रीय से भी हैं, मंडल से भी हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से वार्ता हो चुकी है। आप धरना जारी रखें, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी उपस्थित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी गई तो हम रोड भी जाम कर सकते हैं। मिशन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। रविवार को प्रदेश सचिव योजन सभा सौरभ यादव सेंटू की आवास पर बूथ अध्यक्षों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सेक्टर 26 के सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया गया और उनको नए मतदाता बनाने के लिए बताया गया एवं उन्हें फाइल सौंपी गई। सौरभ यादव ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ है, युवा मिलकर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपा नेता आशीष शिवहरे ने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान करती है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नृपेंद्र यादव, मुखिया गोती, सपा नेता आशीष शिवहरे, शिवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष योजन भा, नगर अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव, जिला नगर उपाध्यक्ष अनिरुद्ध द्विवेदी, नगर महासचिव सवि उद्दीन, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जीवन वाल्मीकि, छात्र सभा की पूर्व प्रदेश सचिव धीरेन्द्र सिंह सनी, शहबाज खान, दीपक यादव, सौरव ठाकुर, अभिनव जाटौन, शिवम निरंजन, दीपक रावत मौजूद रहे। मिशन न्यूज के लिए जनपद जालौन से सुधीर राणा की रिपोर्ट। गोवर्धन गिराजी की तलहटी में आज बसपा का प्रवृत्त सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के महासचिव सतीशचंद्र मिश्रा ने वर्तमान पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ब्राह्मणों को गाली देने वाली पार्टी है। शुक्रवार को भगवान कृष्ण की नगरी गोवर्धन में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधन के दौरान गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। मिश्रा ने कहा कि बसपा ने तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा गठबंधन जनता के साथ कर लिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी, न कि किसी पार्टी से। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं, हम भी उनका आशीर्वाद देने आए हैं। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो बाराबंकी जेल में बंद खुशी दुबे की हर संभव मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की नाबालिग विधवा को जमानत दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं संबोधन में मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वर्तमान सरकार में आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए सरकार को नाकाम सरकार बताया। वहीं मिश्रा सरकार पर जमकर बसे। मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक और जहां देश की तमाम बड़ी संस्था और कंपनियों को अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों के हाथ बेचने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर मंदिर और मठों पर कब्जे में लगी हुई है।
किसानों की आवाज दबाई जा रही है। काले कानून बनाकर आम जनता और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ब्राह्मणों की आवश्यकता भाजपा जैसी पार्टी को नहीं है, तभी भाजपा के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण आखिर जायका कहा। भाजपा के अलावा ब्राह्मण के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ब्राह्मण को तय करना है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर वोट के वक्त लुभावने वादे कर लूटने वाली पार्टी का साथ देंगे या दलित और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली बहुजन समाज पार्टी का। 2022 में ब्राह्मण और दलित के सहारे उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया। सरकार किसकी बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सभी पार्टियां ब्राह्मण और दलितों को लुभाने में कोई गौर कसर नहीं छोड़ रही है। विपक्ष में बैठे हुए हैं, 2017 में 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया, कैसे विश्वास करें 10 साल का गैप जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है? इससे उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो, तो ये इसके अलावा तो ब्राह्मण समाज अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं, खाली बाहर के नहीं उनकी पार्टी में। तो अखिलेश यादव जो है ब्राह्मण सम्मान करने जा रहे हैं, क्या पड़ेगा? अरे आईडी नीचे रखो यार। देखिए कौन क्या करने जा रहा है, पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न हुआ था। हम लोग जमीन पे कार्य करने हम लोगों ने कार्य किया है उसका हमने बयान किया। वो लोग खाली झूठे वादे करते हैं, बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद आपको धकेल के बाहर कर देंगे। हम लोगों ने जो कहा जो नहीं भी कहा वो भी करके दिखाया। जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ पर कितने काम हुए वृंदावन मथुरा में, ये भी आपने सर 2022 में नारे के साथ जाएंगे, कितने की बार नारा जाएंगे, कितने प्रत्याशी बनाएंगे, किस नारे के साथ उतर रहे हैं, किस नारे के साथ उतर रहे हैं, अब की बार कोई अलग नारा है। मिशन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। चिराग रक्तदान समिति के युवाओं ने छोटे छोटे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया। चिराग रक्तदान समिति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है एवं उनसे किसी भी जान बचाने के लिए रक्तदान करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चिराग रक्तदान समिति के द्वारा खातेगांव क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। चिराग रक्तदान समिति के अध्यक्ष अर्पित तिवारी ने बताया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद से थैलेसीमिया पेशेंट के लिए रक्त की कमी देखी जा रही है एवं अन्य भी ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता लगती है पर उन्हें रक्त नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर हमने विचार किया और युवाओं से बात की और एक आपातकालीन रक्तदान शिविर आयोजित किया और युवाओं के साथ रक्तदान किया। हमारे साथ 65 युवाओं ने रक्तदान किया है। चिराग रक्तदान समिति खातेगांव में भी 15 अगस्त से एक मिनी ब्लड बैंक की शुरुआत करने जा रही है, जहां से आसानी से क्षेत्र के लोगों को रक्त उपलब्ध हो पाएगा। मिशन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। उज्जैन धार्मिक नगरी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। सावन का महापर्व भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बाबा महाकाल की सावन की दूसरी सवारी निकाली गई। प्रजा का हाल जानने निकले राजा बाबा महाकाल, जो शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल में दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और बाबा महाकाल उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। सवारी का जगह जगह स्वागत किया गया है, पूजा अर्चना की गई है। मिशन न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। सूबे की सरकार नीतीश कुमार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगातार चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटी होने की खुशी में जदयू के नगर जिला अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में भागलपुर सदर अस्पताल में वृक्षारोपण किया गया। संवाददाता से बातचीत करते हुए विजय कुमार ने बताया कि एक पौधा लगाना है जिससे बेटियों का आत्मबल एवं साहस बढ़े। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल अधीक्षक एके मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकारिणी सदस्य ओम कुमार पाल, जदयू जिलाध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ विजय कुमार की पत्नी दीपा भारती समेत अस्पताल के दर्जनों कर्मी मौजूद रहे। मिशन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट।
कटिहार के मेयर स्वर्गीय शिवराज पासवान की बीते कुछ दिनों पहले अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। आज आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिला कटिहार में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कटिहार के मेयर स्वर्गीय शिवराज पासवान की हत्या के उपरांत उनकी धर्मपत्नी, बच्चों एवं भाई से मुलाकात की। इस घटना के बाद से परिवार के साथ साथ वार्ड एवं मोहल्ला वासियों के बीच भय का माहौल है। इस घटना पर चिराग पासवान ने प्रशासन से सभी दोषियों पर अविलंब कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि इस घटना में सम्मिलित सभी दोषियों पर स्पीड ट्रायल के तहत कार्यवाही होनी चाहिए और सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी इस प्रकार के कृत्य को करने से पहले 100 बार सोचे। चिराग पासवान के निर्देशानुसार एक शिष्टमंडल जाकर DGP से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। मिशन न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। मिशन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।